आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा है। उसने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की चमलियाल पोस्ट पर सीमा पार से फायरिंग की, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत बीएसएफ के 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। आज सुबह पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई गोलीबारी में 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। शहीद सुरक्षाकर्मियों में असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर रजनीश, एएसआई रामनिवास और कांस्टेबल हंसराज शामिल हैं। घायल सैनिकों को जम्मू शहर में सतवारी में सेना अस्पताल ले जाया गया है। सांबा सेक्टर में यह घटना उस वक्त हुई है जब सालाना उर्स मेले में कुछ ही दिन रह गए हैं। यहां भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐतिहासिक बाबा चमलियाल मेले में हर साल हजारों श्रद्धालु मजार पर चादर चढ़ाने आते हैं। इतना ही नहीं, इस मेले में पाकिस्तानी रेंजर्स भी चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। मसला जो है बड़ा गंभीर है, बड़ा अफसोसजनक है कि पीस टाइम में एक छोटा नेशन जो है बड़ा नेशन को हर दिन इस माफिक के लॉसेस हमारे ऊपर कर रहा है। ये साफ तौर पे जाहिर है कि हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली कहा कि हम तो पहल नहीं करते, और बड़े फ़खर से बोली कि हम तो पहल नहीं करते। इसका फ़ायदा ज़बरदस्त पाकिस्तान उठा रहा है।